हम पढ़ेंगे कि अब इस सवालों को, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इफ द इमेज इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन फॉर्म। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = v/u। v क्या है? यहाँ इमेज है, इमेज का डिस्टेंस है, और u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है। इसके जैसे फॉर्मूला हम रखते हैं, अब इसमें जो डेटा दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि द इमेज, इफ द इमेज इज अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो जो इमेज है उसका डिस्टेंस क्या है? 6 सेंटीमीटर है, यानी कि वी बराबर माइनस क्या है? 6। माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। कॉनकेव मिरर में अगर आपको साइन कन्वेंशन याद नहीं है या इससे साइन किस तरीके से यूज होता है, तो उसका वीडियो लेक्चर में अलग बना दूंगी। फिलहाल आप इतना सीखिए कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज ज्यादातर आपकी कैसी बनती है? नेगेटिव बनती है। ठीक है, नेगेटिव बनती है, इस तरफ नीचे की तरफ बनती है। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी आपका नेगेटिव में ही रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं रखा हुआ होता है, प्रिंसिपल एक्स इंफिनिटी पे होता है, फिर वो कर्वेचर के बियॉन्ड होता है, फिर कर्वेचर पे। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट आपका जब कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है, तो इसमें माइनस जाएगा। और कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है या कॉन्वेक्स मिरर में जो ऑब्जेक्ट होता है, वो उसके लिए साइन माइनस ही लगेगा। ठीक है, अब इमेज नीचे बन रही है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ माइनस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, और माइनस का साइन क्यों लगाते हैं? क्योंकि इमेज क्या है? रियल है और मिरर के सामने बन रही है। उसके बाद यू बराबर आपका क्या है? यू हमारा हो गया, यू भी माइनस में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? मिरर के सामने है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पर 12 दिया हुआ है। अब बस कुछ नहीं करना अपने को, इसी में डेटा रख देंगे। तो माइनस ये क्या है हमारे पास? -6 ऊपर दिया हुआ है ना इमेज का, नीचे लिखेंगे हम -12। ठीक है, अब क्या होगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास ये क्या बचेगा आपका? 1/6 बन जाए, 6 6 2 12, तो ये क्या हो गया? हाफ हो गया। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, -0.5। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो गया? -0.5। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैं यहाँ पे समझा पाई हूँ आपको, पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस माइनस साइन को बच्चे भूल जाते हैं, इस माइनस साइन को हमेशा हमें रखना है। और जब भी आप वैल्यूज रख रहे हैं, डेटा लिख रहे हैं, तो उसको साइन के साथ ही आपको लिखना है।